हेलो गाइस, मैं हूं तुम्हारा भाई रमन। भाई आज आपके लिए गाड़ी लेके आए हैं, ह्यूंडई आई 2020 वेरिएंट। ये भाई मैं आपको बता दूं, मेघ नाम मॉडल है, जो कि भाई वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, क्योंकि भाई ये अपने दिल्ली के एक शोरूम पड़ता है, 6-6.5 लाख का मिल जाता है अपने को कम्प्लीट ऑन रोड। तो भाई गाड़ी मैं आपके सबसे पहले बात करेंगे इसके इंजन के बारे में, जो कि भाई इसमें मिलता आपको 1197 cc का इंजन मिलता है, पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है इसमें आपको। भाई बोनट काफ़ी हैवी फील हो रहा है गाड़ी का, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब सेफ्टी वाइज भी गाड़ी अच्छी है। भाई हैवी फील होती है जैसे नई वाली i20 देखी है, और इंसुलेशन पर भी कोई नहीं दे रखा इन्होंने, क्योंकि भाई हुंडई को पता है इनके इंजन कितने साइलेंट है। तो भाई ऐसा कुछ दिखता है इसका इंजन 1197 cc का। तो भाई ये प्रोड्यूस करता है 81 bhp पावर निकालता है 6000 rpm पे, और 114 Nm का टॉर्क निकालता है 4200 rpm पे। तो भाई गाड़ी की पावर वगैरह अच्छी है, अभी मैं जैसे चला के आया हूँ इसे 5-7 किलोमीटर, तो भाई कुछ ऐसी लुक्स आती है फ्रंट से जो कि भाई बहुत प्यारी लग रही है। भाई अब आप इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी आपको लेंथ दिखाऊँ, इसमें आपको 3995 mm की लेंथ मिल जाती है। ये देखो भाई, मतलब भाई साइड प्रोफाइल देखो गाड़ी कितनी मतलब मस्त आ रही है, नई वाली तो भाई इसके आसपास में नहीं लग रही कहीं। और भाई मैं आपको इसकी विड्थ दिखाऊं, भाई 1775 mm की आपको इसकी विड्थ मिल जाती है, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी भाई विड्थ। और भी गाड़ी की जो हाइट है भाई वो है 1505 mm की हाइट मिल जाती है। और भाई व्हील बेस दिखाऊं, व्हील बेस भी बहुत अच्छा है गाड़ी में, फेंडर पर टच वगैरह नहीं होते भाई, 2580 mm का व्हील बेस मिल जाता है। भाई ये देखो भाई काफ़ी स्पेस है, टच नहीं होती है, देखो भाई। अगर भाई यहाँ पर गाड़ी के फ्रंट से देखे तो कुछ ऐसी लुक्स आती हैं भाई, यहाँ पर आपको एक बड़ा सारा हुंडई का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर भी ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है। भाई यहाँ पर देखिए स्पेस है इसमें, तो भी हवा वगैरह जाती रहती है, यहाँ पर नीचे नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाता है, और नीचे भी भाई हवा के लिए। भाई फॉग लैंप वगैरह इस मॉडल में अपने को नहीं मिलते, उसके लिए स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा। और भाई हेलोजन ही सेटअप मिलता है इसका, हेडलैम्प भाई अच्छे हैं काफ़ी। बाकी भाई प्रोजेक्टर की रीच तो कर नहीं सकते भाई, यहाँ पर हेलोजन इंडिकेटर मिल जाता है, इस साइड वही उस साइड वाला अपना सेम सेटअप देखने को मिल जाता है, नीचे फॉग लैंप वगैरह अपने को नहीं मिलता है। भाई फेंडर पर ही इसके इंडिकेटर्स वगैरह मिलते हैं, मिरर पर नहीं मिलते। और भाई कुछ ऐसे इसके व्हील कप्स भी मिलते हैं भाई, अगर मैं आपको टायर साइज दिखाऊँ मिलता भाई आपको इसमें 185/70 R14 14 इंच का आपको इसमें रिम देखने को मिल जाता है, स्टील रिम 70 की आपको इसमें प्रोफाइल मिल जाती है। भाई प्रोफाइल गाड़ी की बहुत अच्छी लगी मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी गाड़ी अब तक मैंने रिव्यू की है भाई मुझे ये वाला सबसे बढ़िया लगा इस सेगमेंट की गाड़ी में। और भाई 185 की आपको इसमें विड्थ मिल जाती है, यहाँ पर ये मड फ्लैप वगैरह भाई ये आफ्टर मार्केट में, और ये रेन वाइजर वगैरह भी सब आफ्टर मार्केट है भाई। यहाँ पर ये देखे भाई डोर हैंडल है, आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, इस साइड भी बॉडी कलर हैंडल भी वही सेम टायर साइज मिल जाता है अपने को। इसमें भाई आपको मिल जाता है 37 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है भाई, आज के अगर आप पेट्रोल प्राइस देखें तो भाई ये हो जाता है 3500 तक फुल हो जाती है भाई। इसमें आपको हेलोजन टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी भाई, यहाँ पर i20 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर हुंडई का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको भाई ब्रेक लाइट्स मिल जाती हैं भाई, पीछे कोई रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं दिया ना ही कोई कैमरा वगैरह दिया हुआ है। और भाई यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं भाई पीछे भी, इस साइड वाले जो रेड कलर वाले ये डमी मिल जाते हैं अपने को भाई, कुछ ऐसी लुक्स आती हैं गाड़ी के पीछे से भाई। आज वाली जो i20 है ना उसके तो भाई ये आस पास भी नहीं है भाई, इतनी मस्त गाड़ी लग रही है ना ये वाली भाई, मतलब आज भी अगर किसी भाई को मिलती है ना छोड़ना मत भाई गाड़ी, बस आँख बंद करके ले लेना। और भाई इसकी मैं गाड़ी की वगैरह दिखाऊँ भाई, की तो भाई इनका वही है शुरू से, कुछ ऐसी की मिलती है इनको, ये देखो भाई फ्लिप की है, ये लॉक का मिल जाता है, ये साइलेंट का भाई, ये अनलॉक का मिल जाता है भैया। गाड़ी के अपन भाई मोटा मोटा मतलब बाहर से तो बात कर लिया है, अब चलते भाई गाड़ी के अंदर। और भाई एक ये रह गया भाई, यहाँ पर आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है भाई। गाड़ी के अंदर दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पर चाबी लगाने के लिए भाई कोई कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती अपने को। तो भाई इसका कुछ ऐसा ड्यूल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है भाई, क्या मतलब मस्त लुक आ रही है देखिए भाई।
कमेंट करके बताना किस किस को ये वाला पसंद है या नए वाला पसंद है। तो भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले सिल्वर फिनिश में यहाँ पर भाई डोर हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पर ट्विटर्स मिल जाते हैं अपने को, यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं, ORBM सॉरी भाई ऑटो नहीं मिलते, ऑटो डाउन आपको ये विंडो मिल जाती है भाई, सिंगल और चारों पावर विंडो मिल जाती है भाई। यहाँ पर अपना हैंडल भाई, यहाँ पर अपने को बोटल होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर स्पीकर्स मिल जाते हैं भाई। गाड़ी की सीट्स वगैरह भी देखे भाई, फाइबर सीट्स मिल जाती है भाई जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हैं, लॉन्ग जर्नी के लिए भाई बहुत अच्छी है मतलब सीट्स भाई। सीट को आप जैसे यहाँ पर आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं भाई, हाइट एडजस्ट गाड़ी को कर नहीं सकते भाई, इसके लिए भाई आपको ऊपर वाले सेकंड मीटर जाना पड़ेगा भाई। इंटीरियर यहाँ पर नॉर्मल की लगा सकते हैं, यहाँ पर की के लिए मिल जाता है अपने को, नॉर्मल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये देखिए भाई डैशबोर्ड की कुछ ऐसी लुक आती है गाड़ी की, ये आपको मिरर मिल जाता है इस साइड भाई, जो इसकी ये है ना भाई MID, ये भाई बहुत पसंद आती है, नई वाली i20 से भी अच्छी लगती है मेरे को। तो भाई लो भाई नई वाली अब तो थोड़ी अलग आ गई है भाई, ये भी मतलब अपने टाइम की भाई पूरी प्रीमियम होती थी भाई। ये देखो मतलब अपने को पूरी तो डिजिटल स्पीड देखने को मिल जाती है, लेफ्ट साइड में भाई अपने को टेम्परेचर वगैरह मिल जाता है इंजन और भाई पेट्रोल है। और ये देखो भाई 36,669 किलोमीटर कुछ चल चुके हैं भाई, इस साइड देखे भाई 8,000 तक RPM में, मतलब कि भाई आप देख सकते हैं ये पेट्रोल की गाड़ी होगी फिर। और भाई 220 तक आपको स्पीड मिल जाती है, यहाँ पर सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है। इस साइड देखे भाई अपने को ये डोर ओपन के लिए इंडिकेट कर देता है। और भाई यहाँ पर अपने को गाड़ी का ऑन दिखाऊँ भाई मैं, इसका कुछ ऐसा ऑन मिल जाता है, कुछ ऐसा ऑन देखने को मिल जाता है। और भाई स्टेयरिंग पर कंट्रोल वगैरह कुछ खास है नहीं, यहाँ पर ट्रिप की रीसेट वगैरह है बस यही है, यहीं से आप स्पीड होगी सेट कर सकते भाई, रेंज वगैरह यहाँ पर माइलेज वगैरह दिखा देता है ठीक है। बाकी भाई कुछ ऐसा आपको इसमें इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है, वैसे एसी वेंट से यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर भी भाई दो एयरबैग्स मिल जाते हैं अपने को हुंडई के इस वेरियंट में भी, इसमें भाई एप्पल कार प्ले वगैरह कुछ नहीं है अपने, नॉर्मल क्लोक है ये भाई, ये सबसे मस्त है ये देखो भाई, मतलब भाई आप यहाँ से आराम से साउंड वगैरह एकदम से कम करनी हो ना तो आराम से कर सकते हैं यहाँ से भाई, ये मोड वगैरह है। और ये भाई अपने को नॉर्मल ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, नॉर्मल एसी मिलता है भाई, मतलब ठीक है यार गाड़ी की प्राइस। ये देखे भाई आपको 5 गियर ट्रांसमिशन वाली मिलती है, यहाँ पर पेन ड्राइव वगैरह आप लगा सकते हैं अपने, और थोड़ा स्पेस मिल जाता है। इस साइड देखे भाई आर्म रेस्ट देखने में मिल जाता है, जो कि भाई स्पेस वगैरह है गाड़ी में भाई, यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, नॉर्मल हैंड ब्रेक मिल जाती है। इस साइड देखे भाई ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि भाई कूल वगैरह बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। और भाई डैशबोर्ड की कुछ ऐसी लुक आ रही है, यहाँ पर आपको ये डे नाइट वाला और मिरर मिल जाता है भाई, अगर हम सनवाइजर की बात करें भाई कोई ना ही कोई टिकट होल्डर है, ना ही कोई लाइट, ना ही कोई मिरर है। अगर भाई पैसेंजर साइड देखे भाई यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है, जो कि भाई यूज़ आ जाता है कभी कभी। और भाई यहाँ पर देखो भाई सन ग्लास होल्डर वगैरह कुछ नहीं है, और भाई लाइट्स भी यहाँ पर सिंगल दी हुई भाई, कोस्ट कटिंग की है। ये देखो भाई यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं तीनों साइड, एक ही साइड मिल जाता है। और भाई इस साइड भी अपने वही है विंडो वगैरह का सेम रहता है दोनों साइड अपने, जैसे मैनुअल हो तो भैया पर क्लच ब्रेक और ये रेस पैडल मिल जाता है। और भाई यहाँ पर अपने को बोनट ओपन करने के लिए मिल जाता है भाई, यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, यहाँ पर फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए। और भाई ये देखो भाई जैसे मैंने गाड़ी बंद कर दी है, चाबी भी निकाल ली अपनी हरी जैसी चाबी, तो भी भाई मतलब यहाँ पर दिखा रहा है देखो, मतलब भाई 36,669 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो भाई एक बात जरूर कमेंट करके बताना, आपको मतलब ये वाली i20 पसंद है या नई वाली i20 पसंद है भाई। पीछे अगर मैं गाड़ी दिखाऊं भाई कुछ ऐसी है गाड़ी पीछे से, अभी थोड़े कपड़े वगैरह पड़े हैं, पार्सल ट्रे आपको इसमें कंपनी से मिल जाती है, गाड़ी कंप्लीट स्टॉक है, छोटी मोटी जो एसेसरी ज़रूरी होती है वही लगाए, चारों पावर विंडो मिल जाती है भाई, 4 स्पीकर मिल जाते हैं और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। और एक भाई हुंडई की जो मुझे शुरू से बात अच्छी लगती है भाई वो ये है भाई, अपनी मतलब
सभी बेस मॉडल में भाई पीछे एसी वेंट्स तक देते हैं, और भाई मारुति तो बिल्कुल नहीं देती है उनकी, बस एक उसमें डिजायर वगैरह में तो थोड़ा ठीक लगता है भाई दे देते हैं। भाई आप देखते हैं आप इसका बूट स्पेस वगैरह, भाई आपको भी इसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है भाई, आप यहीं से खोल सकते हो भाई। बूट स्पेस भी गाड़ी का बहुत अच्छा है। तो भाई आपको इसमें मिलता है 311 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। और भाई मैं अगर आपको स्पेयर टायर दिखाऊं, यहाँ पर स्पेयर टायर देखने को मिल जाता है। और भाई ये देखो भाई, ये बिल्कुल पॉजिटिव लगा भाई, 185/70 R14 भाई, बिल्कुल सेम साइज़ है टायर का, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई है। यहाँ पर अपने को ये हैंडल देखने मिल जाता है भाई, इसे आप पकड़ के आराम से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर रूफ रेल्स वगैरह कुछ नहीं मिलती हैं अपने को, हैचबैक गाड़ी में रूफ रेल्स की क्या ज़रूरत है। तो भाई कमेंट करके बताना आपको एक ऐसी गाड़ी लगी भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली। अगर किसी भाई को अब भी मिलती हो ना भाई गाड़ी मत छोड़ना। चलो भाई आप इस वीडियो को एंड करते हैं, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।